अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके, क्या हाल चाल है जी? आप लोगों के खैरियत से? खैरियत मैडम। इस वक्त मैं देख रही हूँ कितने हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं। लेट मी चेक, ऑलमोस्ट सेवन यस मैडम, लोग बैठे हुए हैं। एम आई राइट? यस मैडम, ओके, एवरीवन कैन हियर मी? Can everyone hear me? Okay, but I don't. जी रहमत। यस मैडम, मैं तो सुन रहा हूँ लेकिन बाकी का पता नहीं मैडम। Let me check how many people are here. Okay. अभी टाइम तो हमारे पास है अराउंड 9:18, लेकिन अगर काफी कोरम पूरा है देन वी कैन स्टार्ट नाउ। इज इट ओके उस्मा जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा कि मैं अभी स्टार्ट कर सकती हूँ, क्योंकि हालांकि अभी 9:30 तो हुए नहीं है, बट वी कैन स्टार्ट अ लिटिल बिट अर्ली, इजन्ट इट? मैम थोड़ा वेट कर ले, हो सकता है अभी आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं लोग? जी, क्योंकि अभी सिर्फ 6 हमारे यहाँ आए हैं। अच्छा जी, आइफा, आइफा इज़न्ट हियर, नईमा नॉट हियर, मैम नईमा कह रही कि मुझे आवाज में थोड़ा वो मसला आ रहा है, तो इस वजह से। अभी यार नईमा को आवाज में मसला आ रहा है। जी, रहमत है अभी उस नईमा, आपको इशू आ रहा है कोई? नेम सॉल्व हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा था आजकल घर में? हेलो हेलो, हेलो मैम अभी उठे नाश्ते की तैयारी कर रहे घर वालों के लिए। अभी क्लास हमने ज्वाइन कर दी थी, उनको छोड़ दिया। अच्छा, तो संडे को थोड़ा सा चेंज कर लिया करें ना, यू कैन स्टार्ट अर्ली। हाँ हाँ, उनके लिए वो प्रिपरेशन कर ली ना, नाश्ता तैयार कर लिया, अब हम क्लास में आ गए। अब आप क्लास में आ गए? दैट्स जी, अर्ली उठे। ऑलराइट ऑलराइट, दैट्स गुड। सर्दी का क्या हाल है? बहुत ठंड है मैम, बहुत ज्यादा सर्दी है वाकई में। आप लोगों? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? सानदीन मैडम। सानदीन। अच्छा सानदीन, क्या हाल है जी आपके? खैरियत से हैं आप? बिल्कुल खैरियत है, आप कैसे हो मैडम? ठीक हो? अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी बात है कि पता नहीं गैस के इश्यूज हैं आपके यहाँ के नहीं है? नहीं मैम, अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। कभी कभार आ जाता है लेकिन ठीक है, कोई मसला नहीं। दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। तो ये कैसी लग रही हैं क्लासेस आपको, ऑनलाइन और ज़ूम पर? मैम अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम खुद भी ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं ना, स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस नहीं चली करा रहे हैं। कोविड की वजह से ये जो है सिलसिला जारी है, तो अब हम भी स्टूडेंट बन गए हैं, तो हम भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा है। हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ जी अगर नहीं रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। जी ये बात तो है, इट्स अ नीड ऑफ द आवर।
हमारा सारा सिस्टम इस पे बेस कर रहा है और ये बड़े अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें अभी हम सब लोग हैं जी मैम. तो इसमें से बेस्ट दैट कैन बी डन तो अच्छा है कि कम से कम अगर फिजिकल सेटअप में नहीं इंटरेक्शन हो सकती तो एटलीस्ट ऑनलाइन थोड़ा बहुत यानी उसको कंपनसेट कर दिया जाता है. जी ये बात है. अभी क्लास शुरू होने से पहले आप कुछ पूछना चाहें कोई भी आप में से जो इस वक्त मेरे साथ हैं तो प्लीज डोंट फील हेजिटेंट. एक्सक्यूज मी मैम. जी बिना जी मैम जो फर्स्ट लेक्चर हमसे मिस हुए वो हम कैसे रिसीव करेंगे. मैंने तो वो आमिर को भेज दिए थे रिकॉर्डिंग्स. मैडम अगर आप हमें डायरेक्ट वो हमारा ग्रुप है उसमें आप डायरेक्ट शेयर करें तो मेहरबानी होगी. ये व्हाट्सएप पर. यस मैडम. अच्छा ठीक है फिर मैं ऐसे कर लूंगी क्योंकि मुझे आमिर ने कहा था कि आप मुझे सेंड कर दें तो मैं फिर शेयर कर लूंगा. मैं वहां पर भी हो रहा है लेकिन वो बहुत स्लो हो रहा है. वन वीक बाद. ठीक है तो मैं आपका ग्रुप जो है वो QUMFIL 2020 है. यस मैडम. ऑलराइट ओके ओके आई विल डू दैट इंशाल्लाह. मेरे नुक्ते निगाह से ये सब्जेक्ट जो है ये बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है. Yes, और जितना ये टेक्निकल है उतना ही ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि अगर आपका एमफिल में तो जाहिर सी बात है रिसर्च करनी है आपकी तो आप में से वो स्कॉलर्स जो कि परसू करेंगे अपने एकेडमिक करियर को टिल PhD तो उनके लिए भी और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग हो. आई विश कि ये हमारी फिजिकल सेटअप में क्लासेस होती क्योंकि मैं समझती हूँ और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बे इंतहा ज़रूरत है. वजह उसकी बहुत सारी हैं लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ये हमारे यहाँ रिसर्च के रिसर्च मेथडोलॉजी की कोई ओरिएंटेशन नहीं होती किसी भी लेवल के ऊपर. तो जिस वक्त स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर तो मुझे लगता यूँ है कि इसकी रिसर्च मेथडोलॉजी की वो वोकैबुलरी है उसको लर्न करना अंडरस्टैंड करना इन डेप्थ और फिर लेटर ऑन अपने रिसर्चेस में उनकी एप्लीकेशन. तो दिस इज़ द बेस्ट वी कैन डू कि अभी जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि इन सर्कमस्टांसिस में यही पॉसिबल हो सकता था और कुछ नहीं. तो आपके जो भी क्वेरी हो जो भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ नेवर फील हेसिटेंट टू आस्क क्योंकि उसी से जब हम डिस्कस करते हैं जब हम अपने कंफ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को शेयर करते हैं तो तभी हम लर्न भी करते हैं. अपेरेंटली तो ये बड़ा आसान सा लगता है लेकिन इनफैक्ट ये है नहीं इस तरह से. आपकी क्या राय है. What do you think? Hello? मैडम अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट वो टाइटल बताएं कि हम इस पर रिसर्च करें पहले तो हमने इस तरह रिसर्च नहीं की है तो आपके ख्याल में कौन से ऐसे टाइटल होना चाहिए जब जो हम इस पर तो, रिसर्च करें. ये तो बेटा भी बड़ी दूर की बात है. अभी तो हमें बिल्कुल चूंकि हम बिगनर्स हैं तो हमें पहले ये देखना है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स क्या हैं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स क्या हैं और हम आया क्या इंटेंट करते हैं कि हमने जो रिसर्च करनी है वो क्वांटिटेटिव पैराडाइम में रह के करनी है या हमने क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइंस को उठाना है.
तो अभी एट द मोमेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द प्रायोरिटी जो मेरी भी है और आपकी भी होनी चाहिए कि हमें इन रिसर्च मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके बाद फिर हम ये कहेंगे कि ये टॉपिक जो है मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक है एंड आई वांट टू कंडक्ट स्टडी ऑन दिस टॉपिक, तो फिर उसमें हमें ये भी पता होगा कि ये बेस्ट जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो ये होगा कि हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च को ऑप्ट करना है या बेस्ट ये होगा कि मैं इफ आई गो फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, तो ये फिर सेकंड उसके ऊपर आ जाती है ना। असल चीज तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में कौन कौन से डिजाइन हैं जो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं न्यूमेरिकल डेटा में, अगर आप समझते हैं कि स्टेटिस्टिक्स के साथ आप इफेक्टिवली डील कर सकते हैं और ये काम सा जल्दी हो जाता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में जितने भी डिजाइंस हैं वो चूँकि उसमें काम सारा सरफेस पे होता है, बड़े बड़े सैंपल्स हम लेते हैं, 200 students, 250 students, 100 teachers, 200 teachers, तो वो सारा न्यूमेरिकल डेटा को हम स्टेटिस्टिक्स के थ्रू एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन अगर कोई आप में से इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो कि नहीं मैं ये सरफेस वाले काम आई डोंट वांट टू डू, आई वांट टू गो फॉर इन डेप्थ स्टडी, तो फिर वो क्वालिटेटिव रिसर्च करेगा और क्या करेगी। हमारे आज का टॉपिक भी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है और ये सेकंड यूनिट का इफ आई एम नॉट रॉन्ग थर्ड टॉपिक है इसका, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। आप यकीन कीजिए कि इसमें एक एक डिज़ाइन जो है उस पर कई कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा एलोकेटेड टाइम ओनली एन आवर है तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको एक ब्रीफली यानी ब्रीफ रहूं एज मच एज आई कैन, सो दैट ऑन वन हैंड यू कैन अंडरस्टैंड द मेथड एंड ऑन द अदर हैंड इसको हम थोड़ा पेस को फास्ट थोड़ा सा कर दें इंशाल्लाह ताला। तो अगर आप तैयार हैं तो शुड वी स्टार्ट नाउ, यस और नो? यस मैडम। ऑलराइट, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है वो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड इसकी अगर हम देखें क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की जो बेसिक वो है, ये मेथड एक तो ये कंफर्मेटरी भी है और एक्सप्लोरेटरी भी है। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में हमारे पास, मैं अभी आपको एक बड़ी फॉर्मल सी डेफिनेशन बताती हूँ, इफ यू कैन बेयर विद मी फॉर अ मोमेंट। एक मिनट प्लीज, क्वालिटेटिव रिसर्च रिप्रेजेंट्स अ ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर कंडक्टिंग एजुकेशनल स्टडीज। जिस तरीके से क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो भी एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है टू कंडक्ट एजुकेशनल स्टडीज, सेम इज द केस विद द क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च
In qualitative research, the researcher collects their data in naturalistic settings, for example, classrooms, by observing and participating in regular activities. ये याद रखिएगा कि qualitative research में आम तौर पर जो data collection है वो naturalistic या फॉर्मल सेटिंग्स में डेटा कलेक्शन किया जाता है, जैसे कि क्लासरूम्स हैं जिनमें रिसर्चर ऑब्जर्व करता है और इन सम केसेस वो पार्टिसिपेट करता है रेगुलर क्लासरूम एक्टिविटीज़ में. मैं आपको एग्जांपल इस तरह से दे सकती हूँ कि जैसे एक रिसर्चर चाहता है कि वो ये देखे कि टीचर्स अपने क्लासरूम्स में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं. तो रिसर्चर ये करेगा कि वो सुबह जैसे ही स्कूल स्टार्ट होता है तो वो एक दिन एक क्लास में बैठेगा सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, और वो मुसलसल ऑब्जर्व करता रहेगा. एक टीचर आता है, वो पढ़ाता भी है और क्लास के डिसिप्लिन को किस तरह मेंटेन करता है, वो सारा टाइम नोट्स भी लिख ले रहा है और उसके साथ साथ ऑब्जर्व भी कर रहा है. फिर दूसरी क्लास होती, पीरियड दूसरा हो जाता है, दूसरे टीचर आती है, तो इस तरह से वो तकरीबन आई वुड से 1 महीना या 2 महीने तक ही उसकी रेगुलर प्रैक्टिसेस रहेंगी कि सुबह 8 बजे आके क्लास में पीछे बैठ जाना बैक सीट पर और ऑब्जर्व करना कि किस तरीके से डिफरेंट टीचर्स क्लासरूम डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से स्ट्रेटजीज या कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं. और वो ना सिर्फ ऑब्जर्व करता है बल्कि वो अपने नोट्स भी लेता जाता है. अब आप खुद सोचिएगा कि जब 2 महीने या फॉर दिस आपके लेवल के ऊपर चले 1 महीना उसने कर लिया तो कितना डेटा होगा उसके पास, होगा या नहीं होगा. हेलो हेलो. तो जब मुझे पता होना चाहिए ना कि यू आर विद मी. तो जब वो डेटा कलेक्ट करता है तो क्वालिटेटिव रिसर्च में एक चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि पाइल्स ऑफ डेटा होता है, पाइल्स ऑफ नोट्स होते हैं, और वो सब के सब काम के नहीं होते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जो आपको डिलीट करनी होती हैं. जैसे जब आपका मोबाइल फोन में जो स्टोरेज है वो हद से गुजर जाए और जब रेड साइन आने लग जाए तो फिर आप कितनी चीजों को डिलीट करते हैं, करते हैं, नहीं करते. इसी तरीके से रिसर्चर को जब वो उसने इतनी 1 महीने की ऑब्जर्वेशन की तो उसके बाद वो उस पाइल ऑफ डेटा से गो थ्रू होता है और वो चीजें जो उसके काम की हैं, जो कि उसके लिखने में काम आएंगी, वो उनको रख लेता है जो डिसिप्लिन से रिलेटेड है और बाकी चीजों को वो डिलीट कर देता है. दूसरी बात ये कि डेटा आर कलेक्टेड वाया वर्ड्स और पिक्चर्स, नॉट वाया न्यूमेरिकल और क्वांटिफिएबल इंडिकेटर्स. क्वालिटेटिव रिसर्च में और क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक दूसरा बुनियादी फर्क जो है वो ये है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम डील कर रहे हैं न्यूमेरिकल डेटा के साथ, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसा कोई सीन नहीं है. हम लोग वर्ड्स की फॉर्म में ज़्यादातर वर्ड्स को यूज़ करते हैं, नरेट करते हैं जो नरेशंस होती हैं, या फिर हम इमेजेस और पिक्चर्स के ज़रिए डेटा को कलेक्ट करते हैं. Processes that is how individuals communicate with each other about a lesson are as important as product, that is whether or not students obtain the correct answer to a problem. अब देखिए यहाँ पे दोनों ही चीजें important हैं. Students class के अंदर या students teacher class के अंदर कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है,
और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स आंसर करते हैं टीचर्स के क्वेश्चंस को, उनको भी रिकॉर्ड किया जाता है. यानी इन डेप्थ, गहराई में हमने डेटा की कलेक्शन करनी है. ऐसा नहीं है जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है कि आपने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उस पे जो भी उनके टिक्स आए उनको आपने स्टेटिस्टिकली डील कर लिया, एंड दैट इज द एंड ऑफ इट. क्वालिटेटिव रिसर्च एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इन डेप्थ स्टडी है. इट इज नॉट लाइक क्वांटिटेटिव रिसर्च. मोस्ट क्वालिटेटिव रिसर्चर्स डू नॉट स्टार्ट आउट विद स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, रादर दे यूज इंडक्टिव मेथड्स टू जनरेट कंक्लूजंस रिगार्डिंग देयर ऑब्जर्वेशन. एक और बड़ी अहम बात और अहम डिस्टिंक्शन बिटवीन क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारा आगाज हाइपोथेसिस से होता है. जब हम प्रिडिक्शंस करते हैं या अजम्पशंस बताते हैं अपनी किस चीज़ के बारे में, कोई दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एक का इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर ये होगा. कॉज अफेक्ट को ज़्यादातर हम देख रहे होते हैं. क्वालिटेटिव रिसर्च में उसके जस्ट ऑपोजिट है. हम रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाते हैं जो हमारे लिए एक रोड मैप का काम करते हैं. क्वांटिटेटिव रिसर्च डिडक्टिव प्रोसेस है, क्वालिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव प्रोसेस है. डिडक्टिव प्रोसेस का मतलब ये है कि यू गो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. In qualitative research, we start from specifics and we end up at generalizations. ये बड़ा major difference है thinking capabilities के level पर, reasoning abilities के level पर. I repeat myself, quantitative research is based on deductive processes. Whereas qualitative research is based on inductive processes. Deductive process moving from general to specifics. Hypotheses are generalizations जिनको हम specific instances में देखते हैं, जबकि qualitative research में research questions are specifics, और at the end we come with the generalization. Qualitative researchers care about participants' perception. Investigators are likely to question participants in depth about their beliefs, attitudes, and thought processes. आप ये याद रखें कि qualitative research में इंडिविजुअल्स के परसेप्शन इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनके बिलीव्स, उनके एटीट्यूड्स, उनके परस्पेक्टिव. इन बिलीव्स, एटीट्यूड्स और परस्पेक्टिव की जानकारी आपने करनी है एज अ रिसर्चर. इसका मतलब ये हुआ कि आपका सारा फोकस जो है वो इस पे होना चाहिए कि आप कैसे मालूम करें कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपकी रिसर्च में, उनके परसेप्शन क्या हैं जिंदगी के मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में. आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि ये जानें कि उनके बिलीव्स क्या हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, उनके परस्पेक्टिव क्या हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड. ऑब्वियसली वरना तो ये तो बहुत बड़ा वो क्या पंडोरा बॉक्स है. अगर आप किसी के परसेप्शंस के बारे में जानना चाहें तो मतलब बहुत बहुत ब्रॉड है ये. लेकिन क्योंकि आपका जो टॉपिक है रिसर्च का, उसकी डिमांड ये है कि आपको उस पर्टिकुलर बिलीफ के ऊपर काम करना है, उनके एटीट्यूड